गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल। तो आज है हम आज अपने टूर का है दूसरा दिन। हम सैटरडे को घर से निकले थे और आज मंडे हो गया है, तो यहाँ पे तो संडे को आ गए थे, तो आज दूसरा दिन है। और ये भाई हमारा रूम है, मतलब सुबह, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह अभी बज रहा है 8, करीब 8 8 ही बज रहा है। और ये भाई रात को काफी ठंड थी यहाँ पे, ये देखो अभी भी शीशे पे देखो ओस जमी हुई है यहाँ पे, मतलब रात को बहुत ही भयंकर मौसम होता है भाई यहाँ पे, और ठंड वंड भी लग रही थी काफी यहाँ, ये देखा। तो एक बेड हमारा यहाँ पे था, ये रोहित यहाँ सो रहा था, बाकी यहाँ रात को हमने खाना वाना खाया था, और यहाँ पे हम 3 जने सोए थे, और अजय अभी भी सो रहा है यहाँ। सही है नज़ारा, सुबह का मौसम भी सही है, थोड़ी थोड़ी अभी ठंड है, हवा चल रही है। एक थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ, ये भाई राजेंद्र, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई कुछ ऐसा है होटल हमारा, मंकी देखा इधर ही था पास में, तो आवाज दे देता यार हम भी देख लेता। तो भाई तैयार हो यार, होते हैं तैयार होके सीधा मिलेंगे वहां पे वोटिंग पॉइंट में, और वहां पे वोटिंग करेंगे। नहीं हुआ, कौन करता है खड़ा? एक बार तो मेरा हो चुका अरे यार होटल से निकल गए और जा रहे हैं लेक के लिए बोटिंग करने के लिए, बोटिंग करेंगे उसके बाद जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। यार सबसे पहले नाश्ता वास्ता करवा दो यार, उससे उससे भी पहले उससे पहले नाश्ता बहुत जरूरी है, बहुत भूख लगी है सुबह सुबह, मौसम बहुत सही है। तो अभी हमने जस्ट पार्किंग करी है वहाँ पे, ऊपर पार्किंग करके आए और वहाँ से पैदल आए यहाँ पे, ये यहाँ पे मैदान है और उसके पास में ही थोड़ा सा झील है वहाँ पे बगल में, तो अभी वहीं पे जाके वोटिंग करेंगे थोड़ी देर में। बाकी अभी तो दिन हो गया, थोड़ी धूप भी निकल आई है, थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया है अभी अभी के लिए, इसलिए अभी देखो टी शर्ट में आ गए हम, टी शर्ट पे घूम रहे हैं सभी। ये देख लो भाई नैनीताल का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी थोड़ी देर में लेक में चलेंगे, तो वहाँ पे बोटिंग करूँगा, तो बोटिंग दिखाऊंगा, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। बाकी अभी तक का सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है वहाँ पे। पीछे देखो यहाँ से पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, और अभी बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, और तो कुछ खाने को मिला नहीं, चाय वाय चाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई हमारे बंदे आगे चले गए, मैं भी थोड़ा सा चलूं। और नवाब साहब कैसा चल रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक का? मज़ा आ रहा है, और अभी जा रहे हैं हम लेक पे जा रहे हैं हम, ठीक है ना, और जैसा एक्सपीरियंस होगा फिर हम आपको बताएंगे, आप भी आइएगा और इन्जॉय। आप भी आइए, किसको बुला रहे हो? कैश कैश रखा हुआ है ना लेक पे जाने के लिए? आई हैव ओनली क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आई एम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, इसलिए सब क्रेडिट कार्ड बांटता रहता भाई, तो इधर का स्टॉल लगा ले, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट से दवाइयां लेके आए मैं कैमरे लगा दूं यहाँ पे, और ये कैमरे लगाते हैं इसलिए ये खुद का कैमरा भी लेके आए। चाय मैगी नाश्ता मिल जाएगा भाई यहाँ पे? चलो यार भाई चाय वाय पिला दो। चाय पीना मेरे को? वाय नहीं पीना। नहीं फल नहीं, चाय बस। गाड़ी बोलिए कौन सा फल, नहीं बताओ।
नाशपति नाशपति खा रहे हो भाई? कैसा लग रहा है? तो अमरूद जैसा ही होता है नाशपति, पहले नहीं खाया? देख लो भाई, चाय नाश्ता हमारा सुबह। फाइनली जो है हम वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, हमने वोट ले लिए। हम एक वोट में सिर्फ दो जने हैं और बाकी दो जो है एक अलग वोट में है, वो आगे कहीं निकल गई है, पता नहीं, दिख भी नहीं रही कहाँ पे। तो मैं और रोहित हम दोनों साथ में हैं और राजेंद्र और अजय एक अलग वोट में है, वो वहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारे बादल हैं और मौसम बहुत बहुत सुहाना है। अभी हमारा वोटिंग का टाइम तो ख़त्म हो गया है, बस 5 मिनट में हम वहाँ पे किनारे में पहुँच जाएंगे और उतर जाएंगे वोट से। लेकिन हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे दो साथी हमारे साथ इस वोटिंग में नहीं मिल सके। अब हो गई अपनी राइड ख़त्म वोटिंग की, किनारे लग गई है हमारी नैया जिसमें हम सवार थे। तो हो गई हमारी ख़त्म वोटिंग से उतर गए। तो इस वोटिंग का हमने जो पैसा दिया वोट का, यहाँ पे जो है 210 रुपये लॉन्ग रूट के लिए और शॉर्ट रूट के लिए 160 रुपये। तो हमने लॉन्ग रूट लिया था तो करीब 420 रुपये हमने दिया दो वोट का। तो वोटिंग करने के बाद जो है अभी हम सोच रहे हैं कि बाइक रेंट पर लेके जो लोकल टूर यहाँ पे मार लें, तो बाइक रेंट पे लेने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं। वैसे तो एक यहाँ पे है बाइक रेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो कोई और मिल जाए बाइक रेंट के लिए तो आगे है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ड्राइविंग लाइसेंस है, अजय के पास, और किसी के पास नहीं है। पेट्रोल का तो सबका रेट एक ही अलग अलग है। आईडी देनी है 2000 रुपये पर बाइक, सिक्योरिटी 2000 रुपये पर बाइक, सिक्योरिटी भी देनी है।
चलो आप सिक्योरिटी तो कम दे देना, 3,000 रुपये फुल सिक्योरिटी दे देना, दो बाइक तो 2,000 रुपये से रेंट हो गया आपका, 2,000 ही से सिक्योरिटी। तो यार अभी हमने बाइक तो ले लिया, हमने दो बाइक लिए, एक एवेंजर लिया और एक बुलेट, बुलेट वो बना रहा है, बुलेट वो चला रहा है, और ये भाई हमारा अजय चला रहा है एवेंजर, आगे मैं चलाऊंगा एवेंजर थोड़ी देर बाद। अब अभी इस बाइक से भाई लोकल टूर करना है, यहाँ का नैनीताल का लोकल टूर करेंगे और उसके बाद ऊपर चढ़ाई में लेकर जाएंगे पहाड़ पे ट्रैकिंग के लिए। वही है ना यार, यार ये तो हम उतर रहे हैं, दिल्ली के लिए उतर रहे हैं यार। भैया ये चाइना पीक यहाँ से है रास्ता? नहीं गलत आ गए। टिफिन टॉप का रास्ता कौन सा है? ऊपर ऊपर फिर उनको बोलना पड़ेगा, बाइक तो यहीं खड़ी कर रखी है ना। भैया बाइक ले जाते ऊपर? नहीं है अच्छा, पूरा रोड यहीं मिलेगा इंटरलॉक, तो बाइक के लिए सेफ है वैसे? रास्ता सेफ है बाइक के लिए, बाइक के लिए। हां देख ले चढ़ेगी भाई, तो ऐसे होगी ट्रैकिंग अब हमारी। ये बाइक तो ले आए लेकिन अब चढ़ने नहीं वाली। ये देख लो यार कितना ढलान है यहाँ पे, और ये ट्रैकिंग का रास्ता शुरू हो गया मेरे हिसाब से तो अजय। तो लेकिन बाइक मेरे को नहीं लगता कि हम ले जा पाएंगे। क्योंकि पत्थर ही पत्थर है भाई यहाँ पे।
बंद है, बंद है ना, बाइक के रास्ता बहुत बढ़िया है, नहीं जा पाएगी। और ये बंदी जैसा है, ये बस बाइक वगैरह नहीं जा सकती। ये जो ये तार लगा रखी है ना यहाँ पे, बंद कर रखा है। बाइक को नीचे उतार दे एक काम कर, और कोने में ही लगा देते हैं। वो भी आ गए। अरे कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर की है? इसको थोड़ी ना पता है। अरे जा चुके हैं पहले, आप जा चुके हैं पहले। कितने किलोमीटर है अभी? ये समझो ये 2 किलोमीटर और बैठा है बस। 2 किलोमीटर का रास्ता है बस? हाँ 2 किलोमीटर ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग है 2 किलोमीटर। हाँ ये है, ये पूरा। तो यार अभी टिफिन टॉप जो ट्रैकिंग के लिए है वहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ से बाइक तो नहीं जा पाएगी ऊपर, यहाँ ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ के। तो भाई अभी का अपडेट यह है कि हम जो है टिफिन टॉप के ट्रैकिंग के लिए तो आ गए। देखो ये रास्ता है पूरा टिफिन टॉप का, पूरा ऊपर तक चढ़ाई तक। तो 2 बंदे तो हमारे चले गए, अजय और रोहित, और यहाँ पे हमारे भाई है राजेंद्र भाई साहब, ये यहीं पे आराम करेंगे। और अब मेरी बारी है ऊपर चढ़ने की। चलो भाई अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चले राजेंद्र भाई, आओ जू भाई, भाई। चलो यार वो बंदे तो आगे भग गए हो गए, मुझे तो पता भी नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, ट्रैकिंग ट्रैकिंग का भी मजे ले ले। यहाँ पे क्या है, रास्ता बंद। बहुत ऊपर तक खड़ी चढ़ाई है भाई, अभी से थकना चालू हो गए हम तो, सांस भूलने चालू हो गई। ये देखो यार ये ऐसे रास्ते से चल रहा हूँ, देख लो, बहुत बहुत दम चाहिए। मुझे तो घोड़े की याद आ रही है। आगे लोग हैं, घोड़ा कैसे चढ़ जाता है यार। जब वहाँ पे ट्रैकिंग करी थी घोड़े में, दाद देनी पड़ेगी घोड़े की। ये रहे हमारे 2 बंदे, यहाँ पे पहले पहुँच गए और आराम कर रहे हैं। मुझे थका दिया। अभी तो अभी टिफनी टॉप के टॉप में आ गए हैं बिल्कुल। जो ट्रैकिंग कर रहे थे वो एंड हो गया है। तो यहाँ पे अभी यहाँ देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, ढाबे वगैरह भी है यहाँ पे। अभी वहाँ पे पीछे मैगी लगाई है, मैगी लगवाने के बोला है, तभी वहाँ पे मैगी खाएंगे, थोड़ा सा कुछ चाय वाय चाय नाश्ता वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर नीचे उतरना चालू कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे फोटो शूट वगैरह देख लो, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। much later. तो भाई अभी का अपडेट यह है कि टाइम रात का 9:30 बज गया और हम मनाली से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। थोड़े आधे रास्ते में मैं हाँ लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है यहाँ पे।
हमने आधे रास्ते में यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है अपनी, यहाँ पे खाना वाना खा रहे, सिर्फ खाना खा नहीं रहे, खाना बना भी रहे है यहाँ पे। यहाँ पे देखो गैस चूल्हा सिलेंडर अंडे अंडे मैगी सब कुछ चल रहा है। माय नेम इज रोहित, आई एम फ्रॉम छपरा बिहार। यहाँ पे हमारे राजेंद्र जी का ढाबा खुल चुका है। तो यहाँ पे अब मैगी भी मिलेगी और बिरयानी तो हमारी चली रही है ऑलरेडी, तो बिरयानी भी चल रही है यहाँ पे। जूस भी पी गए हमारा, बताओ ये रहा। मैगी वैगी बना के ऑमलेट वगैरह बना के खा के फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा दिल्ली, नॉन स्टॉप गाड़ी। अगर रास्ते में अगर कहीं जगह मिली भूख लगी तो फिर बनाएंगे फिर खाएंगे और बस यही है। वैसे तो हमें कैंप करना था, कैंप करने का मौका मिला नहीं, लेकिन यही सही बीच सड़क में अपना बना रहे खा रहे हैं। भाई देखो पूरा राशन पानी है यहाँ पे। तो भाई अब हमारी मैगी वैगी बन चुकी है, तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट बिरयानी वगैरह खा लिया, नाश्ता वास्ता खा लिया। तो देखो जूस का ग्लास भी चेंज हो गया ऑरेंज, पहले कौन सा पी रहे थे हम, पहले क्रैनबेरी मिक्स। और ये देखो मैगी, ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, देखो ये देखो मैगी हमारे राजेंद्र भैया के हाथ की बनाई हुई। तो बस सब कुछ खा पी लिया है यहाँ से, बस अब ये सारा टेम टाम पैक करके गाड़ी में लोड करके सीधे पहुँचेंगे दिल्ली बस। तो ये सीरीज का और ये ब्लॉग का ये एंड। ये देखो बहुत मेहनती लौंडा है ये इसे भी मेहनत करिए जो करिए, हाँ जितने भी जरूरी काम है यही करता है। चलो बाय 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 करो भाई, एक बार सारे बाय। अजय बाय करो, अजय बाय 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 मन क्या मना नहीं करता मेरे मुँह से भी बाय बाय नैनीताल।